हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हमारा लास्ट डे है अल्मोड़ा में, और आज हमारे नाना जी की वार्षिकी भी है और मामा का रिटायरमेंट भी है। तो बहुत सारे गेस्ट आ रखे हैं, तो भीड़ हो रही है वहाँ पे, बहुत शोर हो रहा है। और छत के ऊपर टेंट भी लगा हुआ है, तो मैं ऊपर खेत में आके व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूं। और आपको एक मस्ती चीज़ दिखाता हूं। आज यहां पे मुझे हल्की बर्फ़ दिख रही है। बर्फ़ गिरी नहीं है बट जम रखी है फिर भी पहाड़ों के ऊपर। दिखाता हूं, ये देखो मेरे पैरों के इस साइड पूरी ये जो वाइट दिख रही है सारी बर्फ़ है, हल्की हल्की जमी हुई है। तो मैं अगर इस पे पैर रखूँगा ना, ये पानी, ये देखो मतलब इतना सेटिस्फाइंग लग रहा है ना ऐसे करने में। देखो ये हल्की बर्फ़ है, ज़्यादा नहीं है। इस तरह से बर्फ़ मिटाने में मज़ा आ रहा है। ये देखो जैसे जैसे धूप आ रही है सारी बर्फ़ पिघल रही है। तो यहाँ पे धूप आएगी तो ये भी सारी पिघल जाएगी। इस साइड से देखो वहाँ तक पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है, जो वाइट दिख रहा है ना आपको सारा बर्फ़ है। उठा के दिखाता हूँ, ये देखो पत्ते के ऊपर जमी हुई है। इसी तरह से जितने पत्ते हैं या फिर घास वास सब ऊपर जमी हुई है। भागते दौड़ते हुए और ये भी पहुंच गए यहाँ पे। क्या खा रहे थे तू, निकाल मुंह से पागल, गोबर खा रहा है। मैं इतने व्लॉग स्टार्ट किया, गोबर खाने लग गया ये। तो ये जो हल्की हल्की बर्फ़ है ना, इसको यहाँ पे पाला बोलते हैं। और ये गिरने वाली नहीं, जो रूई की तरह गिरती है वो नहीं है, ये जम जाती है ऐसी रात को। और यहाँ पे तो रात को अगर पानी रखोगे ना बाहर, पानी भी जम जाता है, पूरा बर्फ़ बन जाता है। मुझे यही देखने में इतना प्यारा लग रहा है, अगर मान लो रियल बर्फ़ होगी वो कितनी प्यारी लगेगी यार। और हाँ, मैं भूल ही गया था, आज 31 दिसंबर लास्ट डे ऑफ दिस ईयर। तो मतलब पता ही नहीं चला ये साल कैसे गुजर गया। पीछे की साइड बन रहा है सारा खाना और यहाँ पे हम खाएंगे टेंट में सारे। तो अभी का सीन ऐसा कुछ है कि छत में देखा आपने, खाना बन रहा है, मतलब सब कुछ तैयारी हो रही है टेंट वेंट की। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे है और नीचे पूजा हो रही है, हवन हो रहा है, तो वहाँ पे सारे लोग बैठे हैं। तो आंगन में भी काफ़ी लोग बैठे हैं, तो मैं ओरियो को वहाँ रख नहीं सकता, इसलिए ओरियो को पकड़ के बैठा हुआ हूँ यहाँ पे मैं, जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता है। आई थिंक काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो ये दिक्कत है थोड़ी सी। बट हम ओरियो को बांधेंगे नहीं, और बांधेंगे भी तो यार इतने सारे लोग आ रहे जा रहे हैं, इसीलिए मैं इसको लेके ऊपर वाले खेत में आ गया। एंड हियर वी हैव वैष्णवी। कैसे हो? मैं तो ठीक। कौन सी क्लास में आप? फिफ्थ में। हल्द्वानी में ही रहती है, पूजा दी की लड़की है। पीयूष के साथ में थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई है ओरियो के चक्कर में, बिकॉज वो ओरियो को पकड़ नहीं रहा था, ओरियो को छोड़ दिया उसने। फिर कह रहा है बांध दो, ऐसे बोल रहा है जैसे कि उसको मतलब ओरियो से दिक्कत हो रही है। मुझे इतना गुस्सा आया ना, क्योंकि और मैं देखो तब से यहाँ ओरियो के साथ बैठा हूँ, मैंने खाना भी नहीं खाया, मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं आराम से बैठा हूँ, मैं इसके खाना भी लेके बैठा हूँ। मैं बैठा रहूँगा भाई, मैं पूरा दिन बैठा रहूँगा, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकता यार। मुझे इतना गुस्सा आया ना पीयूष पे, फिर मैंने उसको डांट दिया। अच्छा, मैंने कहा इस वजह से। और लेकिन जब वो कह भी रहा था, नहीं मतलब मेरी क्या गलती है ये, वो मुझसे कह भी रहा था। अभी जब हम लोग खाना खा रहे थे ना, तब कह रहा था मुझसे, पता नहीं मेरी क्या गलती है ये वो, बताया नहीं, रीजन ही नहीं बताया मुझे भी। अब देखो अब नहीं भाग रहा, आराम से बैठा है। मैंने बोल दिया कि बैठे रहना, तो बैठा है, कहीं भाग नहीं रहा है। आपको देखा नहीं इसने ऊपर आते हुए, तो आपके पीछे आ रहा था। कोई बात नहीं, बैठे रहेंगे, अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं, तो देखते हैं। हाँ, वैसे हमने तो खाना खा लिया है, नाश्ता कर लिया, और वैसे भी अब खाना खाने के बाद 3 बजे बनेगा कह रहे थे वो लोग। 3 बजे? कोई नहीं, 3 बजे खा लेंगे, 3 बजे भी नहीं खाएंगे, ऊपर आएंगे खा लेंगे। हम लोग जा रहे हैं ऊपर, जा सकते हैं हम अभी ऊपर। ऊपर तो समझ रहे होगे, ऊपर कहाँ, गलत मत समझना। फर्स्ट टाइम मैं ओरियो को लेके आया ना, तो किन किन चीज़ों का मुझे ध्यान रखना चाहिए वो मुझे समझ में आ गया है। जैसे कि मैं एक होटल बुक कर सकता हूँ जहाँ पे हम रह सकें, अपना सामान रख सकें, ओरियो भी रख सकें अच्छे से। गाड़ी थोड़ी बड़ी हो सकती है। हाँ, गाड़ी बड़ी कर सकते हैं, गाड़ी में ही सामान रख सकते हैं। अगर गाड़ी जो बड़ी हो गई, फिर तो गाड़ी में सामान रख लो। सामान की बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमारे बहुत सारे बैग हो गए थे। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखते रहेंगे, अब तो ट्रैवल ही करना है। मेरा ट्रैवल में बहुत मज़ा आ रहा है। अभी तो हम स्पेशली ट्रैवल करने नहीं आए थे, यहाँ पे प्रोग्राम है ना उसके लिए आए थे। लाइफ है, सब कुछ चलता रहता है। हाँ। एक्सपीरियंसेस जरूरी होते हैं, बैड एक्सपीरियंसेस, गुड एक्सपीरियंसेस। और यहाँ पे पोटी कराया ऊपर टेंट पे पोटी कराया और यो तभी तो गुस्सा आ रहा था सबको। यशु भी आ चुकी है, मम्मू दी की लड़की, आ जा। अरे हम तो नीचे ही बैठ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, मिट्टी लगेगी, कोई बात नहीं, बिठाओ उसको दरी में। अब तो नहीं काट रहा आपको ये? हाँ। वो खाने दे उसको, वो सोच रहा है। अच्छा। वो सोच रहा है तुम उसका खाना छेड़ रहे हो। खाने दे। खाना तो बहुत अच्छी चीज है यार, खा रहा है तो कंप्लीट खत्म कर लेना। हाँ, आप आ जाओ दरी में, यहाँ पे। वैसे तुमको कैसा लग रहा है पहाड़ पे आके? वैसे आप तो पहाड़ पे ही रहते हो ना, तो ये रहते हैं पिथौरागढ़। खुद ने ना खाया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसने ना खाया हो ना बहुत फर्क पड़ता है, पता है। तो हमारी अम्मा भी आ चुकी है। ओ अम्मा प्रणाम। ठीक है, अरे मेरा ओलू क्या कर रहा है? ओरियो पहचान लिया आपको? ओलू। हम यहाँ बैठे तो देखो सभी यहीं आ चुके हैं, तो पापा जी भी हैं, चीजा जी भी हैं और पूजा दी भी हैं। जहाँ हम बैठते वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। लाइन शुरू हो जाती है जहाँ मैं जाऊँ, बाहर चली आए। क्या खेल रही है?
पबजी, फ्री फायर, ए लोकल गेम है। तो अब चाय भाई सब आ चुके हैं यहाँ पे, बिस्किट भी। हाँ और ये को दे दो थोड़ा सा, पहाड़ी चाय का आनंद ले रहे हैं। पहाड़ी चाय तो पहाड़ी चाय, पहाड़ी चाय का रसा स्वाद कर रहे हैं। चाय चाहे पहाड़ी हो या देसी हो, मुझे चाय पीने से मतलब है। और तू हाँ भाई, ओरियो को हाथ मत लगाइयो, पहले बता रहा हूँ। नहीं उस टाइम कैसे बोल रहा था, बांधो कह रहा है। और क्या करूं? तेरे को अगर प्रॉब्लम होती है ओरियो से तो मत लगा उसको हाथ, सीधी सी बात है, मत आ उसके पास। हेयर स्टाइल दिखाना कैसे ठीक है। और ये घर पे सी ली है क्या? मुझे प्यारी लग रही है, मेरे को दे दो। क्या यार मतलब कुछ भी। ओहो सारे मीमर बन रहे हैं सारे। तो अभी घर में जो भी गेस्ट आए हैं और घर के फैमिली मेंबर सभी मिल के खाना, रोटी राटी सब परोठे परोठे सब बना रहे हैं। पूरी ये देखो यहाँ पर है, पूरियाँ यहाँ पर तैयार हो रही है। ये मतलब कंप्लीट ये वाला एरिया रसोई घर कैसा हो गया है। और जो ये वाला एरिया यहाँ पे खाने का एरिया है, यहाँ पर देखो अच्छे से इसमें सर्व करेंगे टेंट के इस साइड खाने का, इस साइड बनाने का, लेकिन बना घर वाले ही रहे हैं सभी। एंड नीचे बैठे हैं सभी अपनी महफिल बना के। देखो इतने सारे जो भी गेस्ट आए हैं, फैमिली मेम्बर्स आए हैं, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, बिकॉज मैं सबसे अलग बैठा हूँ ओरियो के साथ में यहाँ पे। अभी मैं ले गया था इसको वहाँ पे, वो कह रहे बांधो, मैं उठा के फिर ले आया। आज का डे मेरा रेस्ट डे है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैंने सोच लिया क्योंकि लास्ट डे है तो रेस्ट करते हैं आराम से। और देखो बैठा ही हूँ सुबह से और देख रहा हूँ आसपास नेचर, एक एक करके सब मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। अब गोल्दी भी आ चुकी है, यानी भैया भी आए हैं, मतलब मैंने जगह क्या ढूंढ ली, आप सब ही आ रहे हो एक एक करके। और ये कहाँ गया? घर को गया वो था। और ये किस पे भौंक रहा है वो? चल ऊपर आ, ऊपर आ, वहाँ कहाँ जा रहा है? चल चल ऊपर, इसको पकड़ ले यहाँ से। तू क्यों पकड़ रहा है? तेरे को तो पसंद नहीं है, तुझे तो बांधना है। वहीं ले चलो, वहाँ बहुत भीड़ है। बचपन की यादें, हमने भी आज अपने बचपन को याद किया है, चावट खा के। दो अल्मोड़ा में हमने बचपन में इतने खाए ना, जब हम बहुत ही ज्यादा चापट। आज पता नहीं कितने सालों के बाद फाइनली खाना रेडी हो चुका है, तो चलो चलते हैं लंच करने के लिए, देखते हैं लंच में क्या क्या है हमारे पास। सो खाने में हमारे पास कुछ इतने आइटम्स हैं, पनीर की सब्जी है, रायता है, बड़ा, चटनी, सूखी सब्जी, खीर और पूरी। तो काफी ज्यादा आइटम है, काफी टेस्टी लग रहे हैं। आप भी खाओ। मैं अभी थोड़ी देर में खाऊंगा, मैंने अभी। तो गाइस क्या ही बताऊं, मतलब खाना क्या ही टेस्टी हो रहा है, मतलब जो पहाड़ी खाना होता है ना उसका तो टेस्ट ही अलग होता है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ वर्ड्स में। मस्त कैसा लग रहा है? मस्त। तो अभी का सीन ऐसा है कि हमने खाना खा लिया, मतलब इतना टेस्टी खाना, चीजें सारी नॉर्मल थी लेकिन उनका जो टेस्ट आता है ना वो पहाड़ी टेस्ट पहाड़ी ही होता है गाइस। आप अगर यहाँ घूमने आओगे ना वो टेस्ट आपको नहीं मिलेगा, वो आपको सिर्फ यहाँ के घरों में ही मिलेगा, यहाँ के कल्चर में ही मिलेगा, है ना? बिल्कुल। आप पूरी वीडियो में बिल्कुल बोलते हो, लोग कमेंट कर रहे थे आप सिर्फ बिल्कुल। आज न्यूज बॉय और नियोन मैन दोनों ने हमको अपनी वीडियो में ऐड किया, जो मैंने बताया था ना कि मेरी वीडियो डिलीट हो गया, तो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। पीयूसी अब तो अगले साल ही व्लॉग बनाएंगे। इसका मुंह देखो कैसा हो गया था, इसको लगा पता नहीं। अभी मैं आया चुपके से चाय पीने के लिए, बिकॉज मेरा बहुत मन कर रहा था, तो मम्मी जी यहाँ पे है, मुझे छुपके से चाय दे रही, बाहर मत लेके जाइयो, बाहर बहुत शोर है गाइस, व्लॉग नहीं कर पा रहा मैं, क्या करूं। तो गाइस ये देखो और ये देखो कहाँ पे कंबल के ऊपर, पूरे बिस्तर के ऊपर कहीं सोया पड़ा आराम से है। मामी देखना उसको, हाँ, सोया है। सोने दो। अरे सोने दो, चलो। हल्की हल्की भूख भी लगनी स्टार्ट हो चुकी है। मैंने कहा अब अगले साल ही जाएंगे मार्केट। क्यों अगले साल ही जाएंगे मार्केट? अब तो अब बताओ क्या खाओगे? मोमो क्या? बंटिक्की। बस ये तो कुछ नहीं खाएगी, ये मैं खाऊंगी। क्या मोमो खाएगी? मोमो नहीं, मोमो एक दो तीन चार पाँच छह। चलो ठंड हो रही है, हम हाथ ही सेक लेते हैं भाई, इसमें तो हाथ सब कुछ सीखा जाएगा। कल से वी विल मिस दिस पहाड़, ये सबसे मेन चीज है, जो कि अग्नि, जो कि हम रोज ठंड में यहाँ पे हाथ सेकते थे, और यहाँ का वेदर, सब कुछ, ठंडी ठंडी हवाएं, और हमारी दीदी, भांजी, मामा, मामी सब। तो मिलते हैं अगले साल, मिलेंगे अब तो अगले साल। हाँ, गोलू की शादी में। हाँ, गोल्दी की शादी में। बहुत ही भयंकर ठंड, भाई जल जाएगा। तो बादल देखो काफी प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि सनसेट हो चुका है और बादल भी हैं, आसमान नीला नीला दिख रहा है, और सामने जो
पहाड़ हैं वो भी प्यारे लग रहे हैं देखो। तो अभी घर आ चुके हैं, बट घर पे मैं शूट बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा हूँ, पूरा दिन में थोड़ा सा भी नहीं कर पाया बिकॉज बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, बहुत ज़्यादा गेस्ट आए हुए, तो बस वही सीन है। आज प्रोग्राम था वो हो गया, थोड़ा बहुत रेस्ट किया, ज़्यादा कहीं गए भी नहीं, ज़्यादा व्लॉग भी नहीं बना, तो बस थोड़ा बहुत मैंने आपको अपडेट दे दिया छोटा सा व्लॉग, बट लास्ट टू डेज में तो काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, थैंक यू सो मच। मतलब जो ये ईयर है ना मेरा, ये मेरा गेम चेंजिंग ईयर है, क्योंकि इसमें 1 लाख सब्सक्राइबर हुए इस चैनल पे, 5 लाख हुए, 10 लाख हुए, मतलब 1 मिलियन, जो कि मेरा कभी ड्रीम था, मतलब ड्रीम सोचा भी नहीं था मैंने। और आर्ट वाले चैनल पे भी 1 मिलियन हो गए, मतलब मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, सच्ची बता रहा हूँ। और काफ़ी चीज़ें मैंने ली इस साल, जैसे कि आईफोन लिया, आईपैड लिया, स्टूडियो बनवाया, मतलब पूरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए हैं जो कि आपने देखा मेरे ब्लॉग्स में, तो मेरे लिए तो बिल्कुल ही गेम चेंजिंग ईयर था ये। सो थैंक यू सो मच गाइज इस साल मेरा इतना ज़्यादा साथ देने के लिए, तो बस दिल से सबको थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा। 2021 में भी मेरे काफ़ी प्लान हैं, बस इसी तरह साथ देते रहना, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते रहेंगे और ट्रैवलिंग करेंगे, क्योंकि गाड़ी भी आने वाली, गाड़ी बुक की इस साल मैंने, क्या क्या नहीं किया, मतलब जो मैंने कभी सोचा नहीं था सब कुछ हो गया। तो बस यही कुछ आपके साथ शेयर करना था, आज का बिल्कुल सिंपल सा व्लॉग बनाए, आई होप आपको पसंद आया होगा। कल हम यहाँ से निकल रहे हैं, तो नेक्स्ट व्लॉग वही होगा, हरियाणा पहुँच जाएंगे हम। फिलहाल इसको एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाना, एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। ये देखो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गेस्ट आ चुके हैं, दैट इज़ वाई व्लॉगिंग इज मच डिफिकल्ट राइट नाउ, सो आई कांट डू। Ha ha ha!